खूनी चुड़ैल। कुलदीप, अतुल और राहुल तीनों दोस्त ऑफिस से निकलकर पार्टी करने के लिए क्लब की ओर जाने लगते हैं, पर इस बात से बेखबर कि उनके पीछे एक काला साया पड़ा है। वो मजे मस्ती में होकर हाईवे से गुजर रहे होते हैं, तभी कुलदीप अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाता है, जिस पर अतुल और राहुल कुलदीप से बोलते हैं, अरे क्या हुआ कुलदीप, अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने अपनी गाड़ी के सामने सफेद साड़ी में किसी औरत को देखा था, मुझे डर है कि कहीं वो मेरी गाड़ी के नीचे नहीं आ गई हो। अरे यार ये क्या कर दिया तूने? अब वो तीनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी के नीचे देखने लगते हैं, परंतु उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। इसके बाद राहुल कुलदीप से बोलता है, यहाँ गाड़ी के नीचे तो कोई नहीं है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार। कुलदीप मुझे लगता है ये सब कुछ तेरा एक भ्रम है, अब देख मूड खराब मत कर यार। अब कुलदीप भी इस हादसे को अपना एक भ्रम समझकर भूल जाता है और वे तीनों एक साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, पर इस बार राहुल कार चलाता है। अभी थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि वे तीनों देखते हैं कि हाईवे की साइड में एक सुंदर सी लड़की जो कि अपनी गाड़ी के पास खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही होती है। राहुल सुंदर लड़की को देखकर कार रोकता है और उस लड़की से बोलता है, क्या हुआ मैडम? हाँ वो दरअसल हाईवे पार करने के बाद एक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ नाइट शिफ्ट की जॉब करती हूँ। मैं रेस्टोरेंट के लिए जा ही रही थी, तब भी अचानक मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, अगर आप लोग मुझे लिफ्ट दे देते तो अच्छा होता। ठीक है आप बैठ सकती है। अब वो लड़की उन तीनों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वे तीनों उस लड़की से रास्ते भर बातें करते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वैसे आपकी और हमारी मंजिल आने वाली है, पर अब तक आपने अपना नाम नहीं बताया हमें। सॉरी मेरा नाम परी है। तो परी जी आपका नाम बिल्कुल सोच समझकर आपके पिता ने रखा है, आप दिखने में भी कोई परी से कम नहीं है। इस तरह से वो चारों बातें करते हुए रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों दोस्त एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तो वहीं वो लड़की अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम जाती है। कुछ देर बाद परी बाहर आती है, पर कुलदीप, राहुल और अतुल तीनों परी को ही देखते रहते हैं, जिसके बाद परी राहुल को इशारा करती है। राहुल उसके इशारे देखकर उसके पीछे पीछे जाता है और परी रेस्टोरेंट की छत पर जाकर खड़ी हो जाती है। अब राहुल उसके पीछे छत पर जाता है और वो देखता है कि परी छत के कॉर्नर पर खड़ी है। परी को छत के किनारे खड़ा देख राहुल उससे बोलता है, क्या बात है परी जी, लगता है मैं आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, तभी तो आप बार बार मुझे इशारे कर दी जा रही थी। राहुल उसके पास जाने लगता है, पर परी उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद राहुल परी के कंधे पर हाथ रखता है और उससे बोलता है, क्या हुआ परी? राहुल के इतना बोलते ही परी पीछे मुड़ती है और राहुल परी का भयानक मुंह देखकर डर जाता है। सुंदर परी एक चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ी थी, मानो जैसे वो कोई दानव हो। परी का असली रूप देखकर राहुल की आवाज हलक में अटक जाती है, वो चिल्लाने की कोशिश करता है पर कुछ बोल नहीं पाता। वो भागने की कोशिश करता है पर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद परी राहुल पर झपट्टा मारती है और उसके शरीर का खून पी जाती है। कुछ देर में राहुल अपना दम तोड़ देता है और चुड़ैल राहुल की लाश से बोलती है, एक पापी कम हुआ, अब बचे सिर्फ दो, अब उन दोनों का खून पीने के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना बोलकर परी अपना इंसानी रूप ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अतुल और कुलदीप राहुल को ढूंढ रहे होते हैं, परंतु राहुल उन्हें कहीं नहीं मिलता। कुछ देर बाद कुलदीप के फोन पर राहुल का मैसेज आता है। अतुल, राहुल का मैसेज आया है, उसने मैसेज किया है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इस वजह से वो चला गया है और गाड़ी की चाबी बाहर है। देख यार अब वो तो चला गया, हमें भी अभी चलना चाहिए, काफी ज्यादा रात हो चुकी है और कल सुबह ऑफिस भी जाना है। अब अतुल और कुलदीप भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली रात वो दोनों फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाते हैं। भाई मैं जानता हूँ
तू आज फिर उस रेस्टोरेंट में क्यों जाना चाहता है? और किस लिए जाऊंगा यार? अब कुलदीप और अतुल उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं जहां वो दोनों परी को देखते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। अब अतुल परी से बात करने के लिए उसके पास जाता है और परी उससे बोलती है, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी अब, लेकिन अकेले में। अगर ऐसा है तो फिर चलते हैं किसी कोने में। ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। इस तरह से परी अतुल को भी अपने साथ छत पर ले जाती है और छत के किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद अतुल उससे बोलता है, अरे ये क्या परी, मुझे तुमसे बात करनी थी और तुम मुझसे दूर जा रही हो। इतना बोलकर अतुल जैसे ही परी के करीब जाता है, वो देखता है कि परी के रूप में एक चुड़ैल वहाँ खड़ी है और वो चुड़ैल राहुल की तरह अतुल के शरीर का भी सारा खून पी जाती है और उसे भी मार डालती है। अब उसका एक ही शिकार बचता है, कुलदीप। और एक बार फिर कुलदीप के फोन पर अतुल के फोन से वही मैसेज आता है जो राहुल को आया था, जिसके बाद कुलदीप भी गाड़ी लेकर घर चला जाता है। अगली सुबह कुलदीप ऑफिस जाता है, परंतु ऑफिस में न तो आज उसका दोस्त राहुल आता है और न ही अतुल, जिसके बाद कुलदीप ऑफिस से सीधा अपने घर जाता है। अब कुलदीप का कोई यार दोस्त नहीं था, इसलिए वो नशा करना छोड़ देता है और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाता है। चुड़ैल रेस्टोरेंट में कुलदीप का रोज इंतजार करती है, लेकिन कुलदीप नहीं आता है, इसलिए वो उसे एक दिन रास्ते में मिलती है जब कुलदीप ऑफिस से अपने घर जा रहा हो। लेफ्ट लेफ्ट। अरे परी तुम यहाँ आओ, आओ गाड़ी में बैठो। अरे कुलदीप तुम, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट में अपना पर्स भूल गई और जब वापस अपना पर्स लेने जा रही थी तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। अरे कोई बात नहीं, चलो पहले रेस्टोरेंट से तुम्हारा पर्स लेकर आते हैं, फिर किसी मैकेनिक को लाकर तुम्हारी गाड़ी भी ठीक करवा दूंगा। कुलदीप की कार से दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट में पहुँच कर परी अपना पर्स ढूंढने का नाटक करती है और कुलदीप को अपने साथ बातों में लगाकर छत पर ले जाती है। कुलदीप भी उसके आकर्षण में खो जाता है और बहक जाता है। परी हम तो तुम्हारा पर्स ढूंढ रहे थे ना। ओ समझ गया, तुम्हें पर्स नहीं कुछ और चाहिए, ऐसा ही था तो पहले बताती ना, इस बकवास सी छत पर आने की क्या जरूरत थी। मेरा घर खाली है, हम वहाँ चलते, अभी भी देर नहीं हुई है, चलो मेरे घर चलते हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तुझे तेरे असली घर में ही भेजने वाली हूँ, नर्क में। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद कर वो दिन जब तुम तीनों दोस्तों ने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाने के बहाने बुलाया था और मेरा फायदा उठाना चाहा, मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई, जैसे तैसे मैं तुम्हारे चंगुल से छूट कर भागी, तो मेरा पीछा किया और हाईवे पर मुझे अपनी कार से टक्कर मार के मुझे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब ये देखा कि मैंने शराब पी रखी थी, मेरी ही गलती है ये मानकर तुम लोगों को छोड़ दिया। क्या मतलब तुम प्रिया? हाँ, मैं प्रिया की आत्मा हूँ जिसे तुमने बड़ी बेरहमी से मार दिया था और अब तुम्हारी बारी है। इतना बोलकर चुड़ैल कुलदीप की तरफ बढ़ने लगती है। कुलदीप भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन में अपनी दांत गड़ाकर कुलदीप का खून पी जाती है। कुछ देर बाद कुलदीप की मौत हो जाती है और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है, जिसके बाद एक तेज रोशनी के साथ चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।
खंडहर हो चुका किला, जिसके आखिरी कमरे के दरवाजे के सामने वीर और समर खड़े थे। खौफनाक अंधेरा था वहां। उस दरवाजे की तरफ मोबाइल के फ्लैश से रोशनी करके डरते हुए समर ने वीर से कहा, हमें इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए वीर। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैंने सुना है कि देवराज की बुरी आत्मा अभी भी इसमें कैद है। अरे कुछ नहीं है, मुझे लगता है रोहन हमें डराने के लिए इसी कमरे में छुपकर बैठा है। तो रुक, मैं अभी इसे खोलता हूं। इतना बोलकर वीर झटके से उस पुराने दरवाजे को खोल देता है। रोहन मजाक ही मजाक में इसी खंडहर में कहीं छिप गया था। दोनों रोहन को आवाज लगाते हुए अंदर घुसते हैं। रोहन, 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 अरे कहाँ हो? अंदर कोई था तो नहीं, मगर कुछ बहुत ही पुरानी चीजें रखी हुई थीं। कमरे को अंदर से देखकर वीर समर से कहता है, देखा, मैं तुझसे कह रहा था ना, कुछ नहीं है इस कमरे में। मगर ये कमीना रोहन कहाँ छिपकर बैठ गया? इतनी रात गए रिक्वेस्ट करके हमें यहाँ लाया, और अब इस कमबख्त को छुपन छुपाई खेलना है। चल कहीं और खोजते हैं उसे। इतना बोलकर बाहर निकलने के लिए दोनों पीछे की तरफ मुड़ते हैं, मगर मुड़ते ही इन दोनों की रूह ठंडी पड़ जाती है। उनके सामने एक बेहद डरावना शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने समर को गले से पकड़कर उठा लिया। समर हवा में लटकते हुए तड़पने लगा। वीर डरकर नीचे गिर पड़ा। समर की एक खतरनाक चीख उस खंडहर में शहर से कुछ ही दूरी पर बना एक किला, जो कि काफी पुराना था और अब खंडहर हो चुका था। रात के वक्त रोहन, वीर और समर उस अंधेरे सुनसान किले में बैठकर शराब पी रहे थे। रात के अंधेरे में किला मनहूस और डरावना लग रहा था। शराब पीते हुए किले को देखकर समर रोहन से बोलता है, यार ये किला बहुत पुराना है। मैंने यहाँ के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी हैं, जो लोगों ने खुद महसूस किया है। तूने हमसे यहाँ आकर ड्रिंक करने की जिद क्यों की? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं। मैं इस किले को रात में देखना चाहता था कि ये कितना डरावना है, मगर वो सब बस अफवाहें हैं। डरपोक कहीं का, तू बस ड्रिंक एंजॉय कर। तब तक वीर, जो कि अपने फोन की फ्लैशलाइट जला कर बैठा था, लाइट को अपने चेहरे पर करके बोलता है, तुम दोनों को सच में यहां के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत पहले जब यहां राजा छत्रपाल का शासन था, तो उसने अपने गुप्तचर देवराज को धोखा देने के जुर्म में इस किले के आखिरी कमरे में बंद कर दिया था। भूख और प्यास की वजह से देवराज की उस कमरे में मौत हो गई थी। कहा जाता है उसकी शैतानी रूह आज भी उस कमरे में कैद है, जो लोगों का शिकार करती है। मगर इस वीरान किले में उसका शिकार बनने आता कौन है? आता नहीं है, लाया जाता है। देवराज का गुलाम यहां आने वाले किसी एक इंसान को अपने जाल में फंसाता है और उसे देवराज से बचाने के बदले दूसरे लोगों की डिमांड करता है। जो इंसान उसकी बातों में फंस जाता है, वो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान फंसाकर खुद आजाद हो जाता है। वीर की इस बात पर रोहन हंसते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है, अरे वाह मेरे डरपोक दोस्तों। अरे यार, साइंस और लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? मैं इतने दिनों से इस पुराने किले में आ रहा हूं, ना मुझे देवराज की आत्मा मिली, ना ही उसका गुलाम, जो मेरी जान छोड़ने के बदले किसी और को फंसा कर लाने की बात करे। देखो तुम दोनों, मैं अभी उस कमरे में जाकर आता हूं,
देखता हूं देवराज की आत्मा मेरा क्या बिगाड़ती है। इतना बोलकर रोहन उस अंधेरे खंडहर में अंदर की ओर भागता है। पीछे से समर उसे आवाज लगाता है। अरे रोहन मत जा, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। कुछ देर बाद जब रोहन नहीं लौटता तब वीर और समर जाकर उसे खोजने का फैसला करते हैं और उठकर उस खंडहर में जाने लगते हैं। पीछे से उन्हें जाता हुआ एक काला साया घूर रहा था जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा जला हुआ था। कमरे में उस डरावने शख्स ने समर को हवा में उठा रखा था और जमीन पर गिरा हुआ वीर डर के मारे जैसे जम सा गया था। तभी बाहर से दौड़ता हुआ रोहन कमरे में आता है और बोलता है, अरे गुलाम सिंह इसे छोड़ दो, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। वो शख्स रोहन के कहने पर समर को नीचे उतारता है। फिर डर कर वीर और समर रोहन के पीछे छिप जाते हैं। फिर रोहन बोलता है, अरे इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये गुलाम सिंह है, इस किले के चौकीदार। इनका चेहरा और आंखें आग की वजह से जल गई थी। तुम दोनों इस कमरे में घुसे तो इन्होंने सोचा कि कोई चोर है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर समर और वीर रोहन से बोलते हैं, शुक्रिया यार, तूने हमारी जान बचाई। तू टाइम पर नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ सही कह रहा है। गुलाम सिंह और रोहन बाहर निकलते हैं और पीछे पीछे वीर और समर भी बाहर निकलने लगते हैं। तभी रोहन अचानक झटके से दरवाजा बंद कर देता है। वीर और समर अंदर बंद हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, रोहन 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 हमें बाहर निकाल। अरे यार रोहन, हम अंदर ही रह गए हैं यार। यार खोल, अंधेरा है, दरवाजा खोल। और हमें डर भी लग रहा है। हाँ यार प्लीज 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 दरवाजा खोल दे। बाहर से रोहन कोई जवाब नहीं देता। बाहर का नजारा बेहद खौफनाक था। रोहन के सामने देवराज की आत्मा हवा में तैर रही थी जो कि बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। बगल में ही हुकुम सिंह खड़ा हुआ था। देवराज की आत्मा को देखकर रोहन अपना सिर जमीन पर पटक कर गिड़गिड़ाने लगता है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं उन दोनों को साथ ले आया। अब मेरी जान बख्श दो, मैंने गलती कर दी थी उस रात कमरे में घुसकर। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तूने अपना वादा पूरा किया, तू दो रूह अपने साथ लाया। जा जा, मैंने तेरी जान बख्श दी, जा भाग जा यहां से। इतना बोलकर देवराज की रूह हवा बनकर उस कमरे में घुस जाती है जिसमें वीर और समर बंद थे। उसके घुसते ही दोनों की चीख से पूरा खंडहर गूंज जाता। देवराज की आत्मा उन दोनों को बहुत ही बुरी मौत दे चुकी थी। उन दोनों की चीख सुनकर रोहन डर कर बाहर की ओर भागता है। पीछे से भागते हुए रोहन को हुकुम सिंह देख रहा था। रोहन कुछ दूर ही भाग पाता है तब तक वो जोर जोर से चीखने लगता है। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और फिर धीरे धीरे उसका शरीर बीच से फटता गया। बहुत ही खौफनाक था वो नजारा। और ये नजारा पीछे से देखते हुए हुकुम सिंह किसी शैतान की तरह हंसता हुआ बोलता है, धोखेबाज को धोखा मिलता है, मौत का सौदा ऐसा ही है। कुछ दिनों पहले ही जब रोहन इस किले में अकेले आया था तो उस वक्त उसने गलती से देवराज का कमरा खोल दिया था। फिर गुलाम सिंह जो कि वहां का चौकीदार था, उसके कहने पर अपनी जान बचाने के लिए रोहन पूर्णिमा से पहले अपने दोनों दोस्तों को धोखे से उस किले में लेकर आता है और अपनी जान के बदले
अपने दोस्तों की जान का सौदा कर देता है। मगर शैतान ने रोहन को धोखेबाजी के बदले